नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये देखा है कि आप एडसेंस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एसोसिएट कैसे कर सकते हैं एडसेंस के साथ, और फिर आप हाउ यू कैन स्टार्ट मनी अर्न मनी आउट ऑफ इट, कैसे आप डॉलर कमा सकते हैं जैसे ही लोग आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग पे क्लिक करना शुरू करेंगे, जैसे ही आपके ब्लॉग पे वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होगी। नाउ दिस इज वन थिंग। इसके साथ जो एडसेंस का प्रोग्राम है, एज आई हैव सेड अर्लियर, कि क्योंकि अब विजिटर्स या वो लोग जो इंटरनेट पे मौजूद हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, नियरली यू नो 4 बिलियन और 4.5 बिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के ऊपर, सो नाउ इट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी अ लाइटर वर्ड, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ज़रा यू नो आसान लफ्ज़ होगा, मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज़ करता हूँ, कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि बेसिकली एडसेंस का काम ये है कि आपने कुछ आर्टिकल पब्लिश किया या कुछ कंटेंट प्रिसाइजली आपने पब्लिश किया और गूगल उसके अगेंस्ट आपको पैसे दे रहा है, दैट इज अ गुड पार्ट। लेकिन द ट्रिकियर पार्ट और वो हिस्सा या वो चीज जिसके बारे में आपने बहुत कॉन्शियस होना है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना है, वो ये है कि डोंट्स वो हैं जो आपने नहीं करने, मतलब ये वो काम हैं जो प्रोहिबिटेड है, मना है। अगर आप ये काम एडसेंस के बाद करेंगे तो देर इज अ चांस योर एडसेंस माइट गेट बैंड एंड यू नो ईमेल एड्रेस। सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज वो ये है कि आपकी एक वेबसाइट है, आपने उसके ऊपर एडवर्ड लगा लिया, आप अपनी वेबसाइट पे जो एड लगा है कभी भी खुद क्लिक ना करें। यानी मैंने अपनी वेबसाइट पब्लिश की, मैंने ब्लॉग जिस नाम ने अभी क्रिएट किया है, मैंने उसको पब्लिश कर दिया, एडसेंस उस पर लगा दिया, तो साइकोलॉजिकली बीइंग इम्पेशेंट मेरी पहली कोशिश ये होगी कि क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रेवेन्यू उस वक्त ज़्यादा होगा जब नंबर ऑफ क्लिक्स ज़्यादा होंगे, तो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आएगी कि वाई टू वेट, आप खुद ही क्लिक करना शुरू कर देंगे एडवर्ड के ऊपर। जस्ट बी पेशेंट, थोड़ा थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा हौसला, थोड़ा थोड़ा टाइम लगाने दें, यानी और लोगों को क्लिक करने दें, खुद आपने क्लिक नहीं करना। इसका मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये बता देता हूं कि जब गूगल एडवर्ड नया बहुत नया नया आया था तो ऑब्वियसली डेवलपर्स भी मौजूद हैं, तो डेवलपर्स ने ऐसे ऐसे कोड लिख लिया था, ऐसा सॉफ्टवेयर लिख लिया था कि वो आपकी वेबसाइट पे कंटिन्यूसली खुद ही हिट करना शुरू कर देता था। यानी वो सॉफ्टवेयर आपने रन करके छोड़ दिया तो एडवर्ड पे क्लिक हो ही जा रहा है। अब वो फेक है, एक्चुअली वो गलत है, यानी उसको कोई बंदा नहीं देख रहा, उसको बॉट देख रहे, कंप्यूटर देख रहे, यूं समझे, तो विच इज रॉन्ग। तो एक्चुअल इंटेंट गूगल का ये है या एडवर्ड का ये है कि लोग इस पे क्लिक करें, ना कि आप करें और ना कि कोई मशीन करे। तो ये इसका बैकग्राउंड है, स्टेप नंबर वन है, इसको तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से। स्टेप नंबर टू, आपने कभी भी जो एडवर्ड है उस पेज पे नहीं क्लिक करना जहां पे आपने किसी और जरिए से ट्रैफिक परचेज की हुई है। मतलब ये आसान लफ्जों में कि एडवर्ड तो एक तरीका है रेवेन्यू अर्न करने का जिसमें आप नहीं कुछ पे कर रहे, इसके अलावा आप क्लिक्स परचेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। मतलब ये है कि आपने आपने पैसे दिए, फॉर एग्जांपल फेसबुक को आपने कहा जी डेली मुझसे एक्स अमाउंट लो और मेरी वेबसाइट पे एक्स नंबर ऑफ क्लिक्स डेली आने चाहिए, फेसबुक विल गारंटी दिस या गूगल विल गारंटी दिस। तो अगर आपने ऑलरेडी एक जगह पैसे दे दिए हैं, आपको पता है लेट्स सपोज के 10,000 क्लिक्स डेली आ रहे हैं एंड यू अगेन
You are being impatient. This is again a trap. Google knows this thing. Obviously, उसको पता है कि आप उस पेज पे एडवर्ड लगा रहे हैं जहां पे आपने क्लिक जहां पे क्लिक परचेज किए हुए हैं तो ये फेक है एक्चुअली. अगेन फेकिंग इट आउट है. ये गलत है. ये सही नहीं है. ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल लोग नहीं व्यू कर रहे तो ये नहीं करना. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अमूमन हम लोग आप यूं समझें अनइंटेंशनली कर जाते हैं. तो पहली दो चीजें जो है ना वो ह्यूमन साइकी से बहुत करीब है तो वी डू देम इंटेंशनली. तीसरी चीज ह्यूमन साइकी से थोड़ा सा दूर है बट आई मीन वी डोंट डू इट इंटेंशनली. दिस इज व्हाट आई बिलीव. वो ये है कि आपने जब एड बनाना है तो नेवर एवर यूज वर्डिंग लाइक क्लिक ऑन एड या आप यूजर को किसी तरीके से बाउंड कर दें कि मतलब आपने वेबसाइट स्टार्ट हुई है होम पेज आया है आप कह रहे हैं क्लिक ऑन एड टू प्रोसीड नेक्स्ट. मतलब आप ये सोचें कि आप amazon.com आपने लिखा आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग समथिंग और amazon वाले मुझे कहें नो क्लिक ऑन दिस एड ओनली देन यू विल बी प्रोसीडेड टू परचेज. यानी मुझे वेबसाइट में एंटर होने के लिए एड को मैं क्लिक करना है फोर्सफुली या मैंने ऐसा को आई कैचर लिख दिया है कि जी क्लिक हेयर ऑन एड तो ये नहीं करना. रीजन कि आप यूजर को फोर्स नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बाउंड अ यूजर. लास्ट पॉइंट वो ये है कि गूगल की कुछ पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग सम प्रोहिबिटेड साइट्स रिगार्डिंग रिलीजन रिगार्डिंग डेमोक्रेसी रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और कुछ और साइट से रिलेटेड तो वहां पे आप एड नहीं लगाएंगे. तो जस्ट रीड आउट दिस. ये डोंट से ये नहीं करने. और जो डूज हैं वो बहुत सिंपल है. वो ये हैं कि दिस इज व्हाट आई डू कि लेट्स सपोज आपने एडसेंस लगाना है तो पहले एडसेंस को तो समझ लें मतलब थोड़ी रिसर्च कर लें. एडसेंस के पेज पे जाएं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं फोरम्स पे जाएं लोगों के ओपिनियन सुने जो लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि इट विल द गाइज हु आर ऑलरेडी यूजिंग इट ना वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए. तो आई मीन जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है ना वो करें. ये एक स्टेप नंबर वन है और बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप करेंगे तो आपको अंदाजा होगा. नंबर टू कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पर आए तो पहले उन वेबसाइट पर खुद जाना शुरू करें जो आपके इंटरेस्ट के हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लव टू ट्रेवल फॉर एग्जाम्पल और आई लव टू फॉलो फुटबॉल थिंग फॉर एग्जाम्पल. तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा वेबसाइट्स पे जाके फुटबॉल से रिलेटेड ला लीगा से रिलेटेड चैंपियंस लीग से रिलेटेड या जर्नी ट्रेवलिंग के बारे में कि कौन सी वेबसाइट्स आजकल चल रही हैं जहाँ पर ट्रैवल प्लान आसानी से हो सकता है कहाँ पर ट्रैवल करना चाहिए इस तरह की. यानी जो मेरे इंटरेस्ट की है आपके इंटरेस्ट की हो सकता है डिफरेंट हो तो उन वेबसाइट्स पे जाके विजिट करें ताकि आपकी कम्युनिटी बने. तो दिस इज हाउ यू एक्सपैंड योर यानी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो देयर इज अ चांस कि लोग आपकी वेबसाइट पे भी आएंगे. एंड लास्ट थिंग कमेंट करें ब्लॉग्स के ऊपर. यानी एक फॉर एग्जाम्पल किसी और बंदे की वेबसाइट है उसने कोई जर्नी से रिलेटेड चीज लिखी है तो कमेंट करें ताकि वो बंदा भी फिर आपकी वेबसाइट पे आए. तो दिस इसको बोलते हैं अट्रैक्टिंग द यू नो अट्रैक्टिंग द यूजर. सो इफ आई सम अप दिस होल एडसेंस थिंग वो ये है कि आपकी वेबसाइट पे जब तक ओरिजिनल कंटेंट या क्वालिटी कंटेंट या उसके बाद जो ओरिजिनल यूजर्स हैं जब तक वो नहीं ना आएंगे ना यू वॉन्ट गेट अर्निंग. आप अर्निंग नहीं कर सकते. और जैसे मैंने आपको बताया है कि इट विल टेक सम टाइम. यानी आप ये कतन मत सोचें कि आपने अभी एडसेंस लगाया और अगली सुबह आपके अकाउंट में $200 आ गए. अगर $200 नहीं आए तो आपने कहा कि ये सही नहीं है गूगल एडवर्ड सही चीज़ नहीं है. इट्स रॉन्ग. इट्स अ माइंड सेट इशू. इट विल टेक सम टाइम. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपकी ये साइलेंट अर्निंग है. यानी आपको खुद से नहीं कुछ पे करना आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे आना शुरू हो जाएंगे. सिर्फ ये कि आपने नेटवर्किंग करनी है. लोगों के वेबसाइट विजिट करें लोगों के ब्लॉग्स पे जाएं फोरम्स पे जाएं ताकि लोग आपको बेसिकली आपकी वेबसाइट पे आए. यू हैव टू अट्रैक्ट द यूजर टुवर्ड योर वेबसाइट.